और उबर में ड्यूटी आ चुकी है। अब पहली ड्यूटी अब आई है 12:30 पे, सुबह एक ड्यूटी आई थी। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज है 7 जुलाई 2022, टाइम हो रहा है 7:25 और मैं घर से निकल रहा हूँ। गाड़ी वाड़ी थोड़ी थोड़ी साफ कर ली मैंने, थोड़ी सी गंदी है ज़्यादा, क्योंकि कल बारिश हुई थी, कल हरिद्वार गया था ना, तो बहुत ज़्यादा गाड़ी गंदी हो गई। तो देखता हूँ कहीं धुलवाऊँगा आज और गाड़ी एकदम साफ करवाऊँगा। तो कल परसों से इंस्टाग्राम पर बात नहीं हो पाई, तो आज कोई भी बाहर का काम नहीं मिल पाया है, तो आज लोकल ही करेंगे ओला ओवर में। देखेंगे आज कितना काम होगा, कैसा रेट चल रहा है, क्या दे रहा है रेट ओला ओवर। तो दिल्ली NCR में ही काम करेंगे, अगर कोई बाहर का फ़ोन आ गया तो बाहर भी जाएंगे, सारा कुछ बताएंगे इसी वीडियो में। कल का वीडियो आपने नहीं देखा तो कल का वीडियो देखो जाके, कल का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बना है और बहुत ही इन्जॉय किया हम लोगों ने। तो गाइस देखते हैं आज ओला ओवर का क्या रेट रहेगा, सारा कुछ बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं अपने घर से, गो। सो गाइस टाइम हो गया 7:50 और मैं पहुंच गया हूं इंदिरापुरम सिप्रा मॉल के पास, जो साया वाली बिल्डिंग है ना, जस्ट उसी के बराबर में खड़ा हूं। और ओला की एक ड्यूटी आई थी सेक्टर 62 से, लेकिन वो ड्यूटी क्या हुआ ना, कस्टमर कह रहे हैं भाई कौन बोल रहे हो, मैंने कहा बिक्की बोल रहा हूँ, ओला बुक किए थे, तो बोले नहीं नहीं भैया हमने नहीं की, ऐसे करके उनने फ़ोन काट दिया और तुरंत देखा तो कैंसिल हो गई। तो ऐसी बुकिंग ओला ओवर में ज़्यादा आती हैं, और एक्सेप्ट करो फिर कैंसिल हो जाती है, फिर रेटिंग ख़राब हो जाती है, तो ऐसा रहता है ओला ओवर में। तो आज काफ़ी दिनों के बाद इंदिरापुरम आया हूँ, और आज फिर लिया है मैंने वही जो पहले ब्रेकफास्ट करता था मैं, पोहा। पोहा खाऊंगा, घर से केवल चाय पी के निकला था और 8 बज गया, थोड़ा थोड़ा भूख भी लग रहा है, तो सोच रहा हूँ ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ पोहा के साथ में। ओनली 30 रुपये का मिलता है ये, इतना और आराम से सुबह का ब्रेकफास्ट बढ़िया हो जाता है। और ठंडा पानी की बोतल घर से ले आया हूँ, तो कर लेता हूँ ब्रेकफास्ट। देखते हैं ओला में ड्यूटी आती है, उबर में आती है, दोनों में ऑन कर लिए, जैसे ही ड्यूटी आएगी तुरंत आपको अपडेट करेंगे कुछ देर के बाद में। तो कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस टाइम हो गया 12:30 और उबर में ड्यूटी आ चुकी है। अब पहली ड्यूटी अब आई है 12:30 पे, सुबह एक ड्यूटी आई थी ओला में जो मैंने आपको बताई, और उसके बाद ओला में कोई ड्यूटी बची नहीं अभी तक और ना कोई कैंसिल हुई। तो उबर में पहली ड्यूटी आई है और एक्सेप्ट हो गई अचानक से, देख भी नहीं पाया कहाँ का ड्रॉप था। तो अभी कर लेता हूँ पिकअप और करूँगा ड्रॉप, बताऊँगा उबर ने कितने पैसे दिए इस राइड में ड्रॉप करने के बाद में, और गाड़ी कितनी चली और कितना कमीशन, सारा कुछ बताऊंगा। तो करते हैं राइडर को ड्रॉप, मिलते हैं उसके बाद। टाइम हो गया 1:20, मैं पहुंच गया हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहाड़गंज की तरफ। जो ड्यूटी आई थी ना इंदिरापुरम से, वो ड्यूटी थी CP कनॉट प्लेस रेडिसन ब्लू होटल की। तो राइडर को मैंने ड्रॉप कर दिया है CP कनॉट प्लेस और मैं आ गया पहाड़गंज रेलवे स्टेशन। इस ट्रिप में मेरी जो गाड़ी चली है वो चली है 19 किलोमीटर, टाइम लगा 29 मिनट का, पैसे मिले 423 रुपये, 695 रुपये का कस्टमर का बिल था, 423 मुझे दे दिए, 100 रुपये का टोल टैक्स दे दिया MCD का, तो टोटल 524 रुपये मुझे मिल गए इसमें। 100 रुपये तो मैं देखे ही आया था, लेकिन अर्निंग मेरी वही 423 रुपये की हुई है। आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा और पिकअप का स्क्रीनशॉट भी आपने देखा। तो पहुँच गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अपनी पुरानी वाली जगह पे, देखते हैं यहाँ से लोकल मिलेगा बाहर का मिलेगा जो भी मिलेगा सारा कुछ बताएंगे कुछ ही देर के बाद। गाइस टाइम हो गया है 8:45 और मैं अभी पहाड़गंज पे ही हूँ। पहाड़गंज पे आ गया था अभी 12:00 आ गया था, तब से पहाड़गंज पे ही खड़ा हूँ, अभी तक कोई राइड नहीं आई है। आज तो मैंने लोकल की बुकिंग भी खोल ली, एक दो ड्यूटी आई थी, वो आई थी चांदनी चौक और ये अंदर की ड्यूटी आई थी सदर बाजार टाइप की, तो मैंने वो एक्सेप्ट नहीं की। तो ना ओला बज रही है ना उबर बज रही है, और काफ़ी ड्राइवर भाइयों से काफ़ी सब्सक्राइबर 2-3 सब्सक्राइबर लोग आए थे मेरे से मिलने आज यहाँ पे, तो वो भी बता रहे थे पैसे हमारा 2500-2000 का हो जाता है डिजायर से, लेकिन आज उनका 800-900-1000 तक का काम हुआ था। तो बड़ी गाड़ी तो छोटो, छोटी गाड़ियों में भी आजकल काम नहीं है, मद्दा चल रहा है बस 2-3 दिन से। काफ़ी ड्राइवर भाई बता रहे थे कि काम इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, हल्का हल्का हो रहा है। तो देखते हैं भाई कल का दिन कैसा रहेगा, आज का तो ऐसे ही काम हुआ, आज तो मैंने वही 400+ रुपये का काम करा जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, और इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। डिजायर वालों का काम वही 1500-1600 रुपये का हुआ है, और वैगनार वालों से किसी से बात नहीं हुई। तो अभी दिन कुछ सही नहीं चल रहे हैं, बाकी दिखाता हूँ मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में, काफ़ी सुनसान पड़ा है, सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं लाइन लाइन से। तो देखो यहाँ पे भयंकर जाम रहता था, ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का गेट है पहाड़गंज के साइड में, यहाँ हैवी ट्रैफिक रहता था, लेकिन इस समय कोई भी ट्रैफिक का नाम निशान है नहीं। बाकी गाड़ियाँ हमारी खड़ी हैं इधर, वो भी दिखाता हूँ, इधर 2-3 गाड़ी इधर खड़ी है ना, और साइड में गाड़ी खड़ी है बहुत सारी। तो काम का यहीं से पता लग जाता है, वैसे गाड़ी दिखती नहीं है यहाँ पे, लेकिन समझ लो अगर गाड़ी यहाँ पे ज़्यादा है तो इसका मतलब काम में कमी है, काम कम है मार्केट के अंदर। तो कुछ इस तरह से ये 2 गाड़ी यहाँ पे खड़ी हैं, बाकी उधर तो लाइन लगी पड़ी है गाड़ियों की, हद से ज़्यादा मतलब गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, गिनती लगाऊंगा तो गिनती भी नहीं लगा पाऊंगा, कुछ ऐसा ही चल रहा है, दिखाता हूँ मैं।
सो गाइस ये देखो पूरी गाड़ियों की लहन लगी पड़ी है, होंगी 70, 100 गाड़ियों से ऊपर होंगी, 100-150 गाड़ी है यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिखा रहा हूँ मैं। और ये बोर्ड लगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का, तो इसके पीछे गाड़ियाँ लहन लगी पड़ी है। और मेरी गाड़ी इधर साइड में खड़ी है, ये दो गाड़ी खड़ी हैं, ये भैया की, आप किसी और की है, ये मेरी है। तो ऐसी गाड़ी साइड में खड़ी है, बाकी उधर भी बहुत गाड़ी खड़ी है। तो यहाँ पे ड्यूटी आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा गाड़ियाँ होती ना तो ड्यूटी आती नहीं है। तो बस आज मेरा 472 रुपये का शायद कब 424 रुपये का काम हुआ है। तो बस इतना ही है आज का वीडियो में, और ज़्यादा अपडेट नहीं दे पाया हूँ क्योंकि काम नहीं हुआ है। अगर ज़्यादा घूमता हूँ, ज़्यादा जाता हूँ कहीं पर, तो ज़्यादा अपडेट देता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सो गाइस आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और कल मिलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तो लास्ट में यही बोलेंगे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो विक्की ब्लॉग। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। देख लिया, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता भी दो मुझे कैसा लगा ब्लॉग, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा पक्का। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ भी क्वेश्चन करो, और फेसबुक पे देख रहे हो तो शेयर कर दो वीडियो और फॉलो कर लो, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।